नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी और ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, गोड्डा लोकसभा में कितने लोगों ने वोट डाला ये बातें उठ रही है, क्या वोटिंग का प्रतिशत रहा ये बातें उठ रही है, कितने राउंड में पूरी होगी गोड्डा की मतगणना ये बातें उठ रही है। मेल कर रहे हैं हमें लोग लगातार, कमेंट में बहुत पूछ रहे हैं कि आखिर भैया इतना दिन गोड्डा घूमे तो ये बताइए कि गोड्डा लोकसभा में कितने लाख लोगों ने डाला वोट। चलिए हम बताते हैं आपको, और ये भी बताएंगे कि 146 राउंड में जो मतगणना पूरी होगी वो किस तरीके से होगी, गोड्डा के मतगणना का क्या है गणित, ये हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो गोड्डा का लोकसभा चुनाव 11 लाख से ऊपर लोगों ने इस बार वोटिंग की है, क्या रहा है वोटिंग का प्रतिशत वो हम आपको बताते हैं। 11,88,440 मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। फोटो भी खूब आपने देखा होगा, सेल्फी वेल्फी भी लोग चढ़ाते थे। अब गणित समझिए इसका कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं पिछले साल के मुताबिक जो है 4% लगभग, यानी अगर एग्जैक्टली डेटा लें तो 3.4% की बढ़ोतरी जो है इसमें देखी गई है। इस बढ़ोतरी के क्या मायने हो सकते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न हो सकता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से गोड्डा लोकसभा चुनाव में 17,14,862 मतदाता थे, और जिस तरीके से विधानसभा बार अगर देखा जाए तो जरमुंडी विधानसभा में 2,19,743 मतदाता थे, जिसमें कि 1,59,358 मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो यहां पर जरमुंडी विधानसभा के अंदर जो है वोटिंग का प्रतिशत लगभग 72% का रहा। तो मधुपुर की बात कर लेते हैं, मधुपुर विधानसभा में 3,02,157 मतदाता थे, और यहां पे लगभग 2,22,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 2,22,980 मतदाताओं ने यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, और वहां जो वोटिंग परसेंटेज आ रही है वो 73.8 की है। चलिए अब बात करते हैं, सबसे ज्यादा उम्मीद निशिकांत दुबे को जिस कंस्टिट्यूएंसी पे था देवघर की, उसकी बात करते हैं। देवघर में क्या रहा वोटिंग का परसेंट, कैसा रहा देवघर में वोटिंग, कैसे रहे देवघर के मतदाता। तो देवघर विधानसभा में लगभग 3,56,669 मतदाता हैं, जहां पर 2,46,823 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, और ये अगर वोटिंग प्रतिशत देखा जाए तो यहां पर वोटिंग पड़ी 69.2। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुड़ैयाहाट विधानसभा में 2,69,817 मतदाता हैं, जहां पर 1,87,090 मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो कुल प्रतिशत का लगभग 59.3 है। गोड्डा विधानसभा चुनाव अगर देखें, गोड्डा विधानसभा में तो 2,78,948 मतदाता थे, और यहां पर जो वोटिंग हुई है 1,85,518 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी कि यहां पर प्रतिशत आया है 66.5 का। आगे बढ़ते हैं, गोड्डा के बाद चलते हैं महागामा में। महागामा में क्या रहा हिसाब किताब वो समझते हैं। महागामा विधानसभा में 2,87,501 मतदाता हैं, जहां पर 1,86,671 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, और यहां पर जो डेटा आपको मिल रहा है वो वोटिंग का प्रतिशत 64.9% है। बीते लोकसभा चुनाव में 2014 में 10,42,240 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जो कि वोटिंग परसेंटेज थी उस वक्त 65.99, यानी कि अगर इस बार का चुनाव आप देखते हैं एवरेज निकाल के हर जगह से, सारे विधानसभाओं से, तो 3.4% की बढ़ोतरी हुई है। दोनों पार्टियां खुश हैं, इस बढ़ोतरी के क्या मायने हैं ये तो वक्त बताएगा, और वक्त ने तो सभी का हिसाब किया है। 23 तारीख यानी कि कल, जब हम आज वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा हम समीकरण इसलिए बता रहे हैं ताकि लोगों तक सटीक जानकारी पहुंचे। जिस तरीके से बहुत सारे फेक न्यूज वाले चैनल हैं, कुछ भी फैल जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, उनको क्या मतलब होता है आपसे। तो हमने जो बातें कही है, अगर हमारी बातों को आप गलत साबित करते हैं तो हमारा चैनल जो है वैसे लोगों को अवार्ड भी देने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि कहीं से भी मिस्टेक ना हो। फिर भी इंसान हैं, अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए, ताकि हम आगे से जो है उसको सुधारने की कोशिश करें। अब
यहां जो मुख्य प्रश्न ये उठ रहा है कि ये जो बढ़ा हुआ मत प्रतिशत है, क्या महागठबंधन का मत प्रतिशत है या फिर भाजपा का मत प्रतिशत है, ये एक बड़ी बात होगी। तो ये पूरी बात है कि गोड्डा लोकसभा में जिस तरीके से 11.88 लोगों ने, 8-8 लाख लोगों ने डाला है वोट, तो यह देखना होगा कि किस तरीके का रिजल्ट यहां से आता है। तो रिजल्ट के दिन भी हम हल्की पुल्की पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे